हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने बनाए हुए कुछ ब्लाउज़ डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि कंप्लीट ब्लाउज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो ये कम्प्लीट ब्लाउज़ मैंने अपने चैनल मंदीप डिज़ाइंस पर अपलोड किए हुए हैं। इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और देखिए, सबसे फर्स्ट में ये ब्लाउज़ है जो कि प्रिंसेस कट है, बैक ओपन है। ये इसमें डिज़ाइन दी है मैंने स्लीव्स पर, आगे पीछे का नेक इसमें राउंड नेक रखा है, डीप सिंपल नेक है। और इसकी स्लीव्स मैंने डिज़ाइनर बनाई है, देख सकते हैं आप। ये बेल स्लीव्स है जो कि ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये शॉर्ट बेल स्लीव्स है, हाफ स्लीव्स पे अस्तर लगा है और नीचे प्लेन फैब्रिक मैंने लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका बैक दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ये आगे से भी डीप है और बैक से भी ये डीप नेक पर है। और यहाँ पर ये बैक ओपन है, इसमें मैंने डोरी लगाकर इसी फैब्रिक की लटकन लगाई है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये बैक ओपन पर बनाया हुआ है, आप चाहें तो इस ब्लाउज़ को फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। प्रिंसेस कट पर है ये, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो ब्लाउज़ है वो ये वाला है, देख सकते हैं आप। ये बोट नेक पर है और इसका जो नेक विड्थ है मैंने कम रखा है, आप चाहें तो ब्रॉड भी रख सकते हैं। और ये जो ब्लाउज़ है ये वन टक्स पर बनाया हुआ है, वन टक्स ब्लाउज़ है ये। और आगे की तरफ से ये नेक, यहाँ पर मैंने इसे सिंपल रखा है, स्लीव्स शॉर्ट रखी है और बैक इसका डिज़ाइन वाला है। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मैंने फ्लावर बनाकर यहाँ पर लगाया है नेक पर, ऊपर और नीचे की तरफ। और ये ब्लाउज़ भी बैक ओपन पर ही है, बैक ओपन है, ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पर हाई और हुक किया हुआ है। हाई यहाँ पर मैंने स्टील वाली जो होती है वो लगाई हुई है, यहाँ पर रेडीमेड जो हाई होती है। ऊपर भी इसी तरीके से ये ओपन हो जाएगा और बीच में ये फ्लावर लगा दिए हैं। इसके बाद ये वाला जो ब्लाउज़ है देख सकते हैं आप, ये प्रिंसेस कट पर है और ये भी बैक ओपन पर है। ये जितने भी ब्लाउज़ मैं आपको बैक ओपन बता रही हूँ, इन डिज़ाइंस को आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। ये फ्रिल वाला जो डिज़ाइन है ये बैक ओपन पे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे की तरफ इसमें फ्रिल लगाई है हमने इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो स्लीव्स पे और फ्रंट नेक पे मैंने फ्रिल लगाई है, प्रिंसेस कट पर है। और बैक इसका यहाँ पर वी शेप देकर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन दी हुई है नीचे की तरफ से, देख सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपल और सोबर यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ डिज़ाइन है, ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बनाना सीख सकते हैं। स्लीव्स यहाँ पर शॉर्ट रखी है, आप चाहें तो बड़ी स्लीव्स भी रख सकते हैं। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ये बेल्ट ब्लाउज़ है, फोर टक्स पर है और पैटर्न यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, ये फोर टक्स पर है। और आगे की तरफ से ये बोट नेक डिज़ाइन है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है पीछे वो बोट नेक पर ही बनेगा, तो इसका जो आगे नेक है मैंने वो नेक विड्थ कम लेके यहाँ पर मैंने इसे डीप रखा है। बैक में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैंने मोती की डिज़ाइन बनाई हुई है, जो पहनने पे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है। ये जो ब्लाउज़ है ये फ्रंट ओपन पर है और ये वाला जो मल्टी कलर में ब्लाउज़ है ये भी बोट नेक के प्रिंसेस कट पर है और ये बैक ओपन है। यहाँ पर मैंने ये मल्टी कलर में ही लेस लगाई हुई है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। और प्रिंसेस कट पर है आगे का जो पैटर्न है इसका, यहाँ पर ये बैक ओपन है ब्लाउज़ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने लेस की ही डिज़ाइन बनाई हुई है और इसी फैब्रिक की लेस लगाकर मैंने लटकन बनाई हुई है, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा लटकन से। आप चाहें तो ऊपर की तरफ बटन और लूप भी लगा सकते हैं और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लाउज़ है, ये भी जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है
और इसका जो नेक है फ्रंट से वो बोट नेक डिज़ाइन है, और यहाँ पर ये प्रिंसेस कट पर है, ये आगे की तरफ से सिंपल है, इसमें बैक में डिज़ाइन दी हुई है, फ्रंट ओपन ही है ये ब्लाउज़। और देखिए बैक में मैंने इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर और बेल्ट की डिज़ाइन दी हुई है, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो बैक में मैंने यहाँ पर फ्लावर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से इसी वीडियो में इसके कटिंग स्टिचिंग के मैंने ये फ्लावर बनाना आपको सिखाया है बेल्ट के साथ, तो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। इसके बाद ये जो फैब्रिक है ये नेट का फैब्रिक है, और यहाँ पर मैंने आगे पीछे का जो नेक है वो डीप रखा हुआ है, प्रिंसेस कट पर है, और इसके भी मैंने स्लीव्स में डिज़ाइन दी हुई है, देख सकते हैं आप, ये अम्ब्रेला स्लीव्स है, और यहाँ पर मैंने इस पर फ्रिल लगा दी है स्लीव्स पर, तो इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। और ये बैक ओपन पर है, बैक ओपन है ये ब्लाउज़, आप चाहें तो इस ब्लाउज़ को फ्रंट ओपन फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज़ पर भी बना सकते हैं, सिर्फ इसके जो डिज़ाइन है वो फ्रिल की यहाँ पर हमने स्लीव्स में दी हुई है। इसके बाद लास्ट ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, ये वाला जो कि कोल्ड स्लीव्स पर है, प्रिंसेस कट है, और ये भी बैक ओपन पर है, इसका आगे पीछे का जो नेक है वो डीप है, और यहाँ पर इसमें स्लीव्स में डिज़ाइन दी हुई है, मैंने कोल्ड स्लीव्स बनाया हुआ है इसे, देख सकते हैं आप, ये इसका जो लुक है पहनने पर वो बहुत ही अच्छा आता है, कोल्ड स्लीव्स है ये, फ्रंट से प्रिंसेस कट है, डीप नेक है, और ये बैक ओपन पर है ब्लाउज़, बैक में सिंपल राउंड नेक दिया हुआ है मैंने। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा ब्लाउज़ डिज़ाइन का कलेक्शन यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।